इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे मुद्दे में मेरी राय में यह है कि इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कोई जादू की छड़ी मत समझो। ऐसा नहीं है कि ये करने से एकदम से इक्वालिटी आ जाएगी। पंचायत वेब सीरीज में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक औरत को सरपंच बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ वो एक टोकन सरपंच बनती है। एक्चुअली में सारा काम हस्बैंड संभालता है सरपंच बनने का, और असलियत में भी हमें कई जगहों पर यही चीज देखने को मिलती है। कैंपेन पोस्टर्स पर हस्बैंड की फोटो भी लगाई जाती है, हमें न्यूज रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं कई। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हरियाणा वुमेन सरपंच, वुमेन रिमेन इन किचन्स, मेन मैनेज द वर्क। गुजरात में एक सरपंच लक्ष्मी बेन मोरी पंचायत की हेड हैं, लेकिन सिर्फ पेपर पर ही। छत्तीसगढ़, वुमेन सरपंच हैंड्स ओवर पावर टू हस्बैंड। तो ये मत सोच लेना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से चीजें अचानक से बदल जाएंगी। इसके अलावा भी हमें कई प्रोएक्टिव कदम उठाते रहने पड़ेंगे एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के मामले में औरतों को सेम लेवल पर लाने के लिए। जब ग्राउंड लेवल पर ऐसा होगा, औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी, तभी कहा जा सकता है कि सही मायनों में इक्वालिटी आएगी। वीडियो